वो इफेक्टेड हो जाते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, ओके, और वो एक अलग ही स्टाइल से हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। उसी को हम एनिमेशन कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, एनिमेशन आर द स्पेशल विजुअल इफेक्ट दैट कैन बी एडेड टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, ठीक है। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव फॉर द ऑडियंस, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो हम एमएस पावर पॉइंट खोल लेते हैं और ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है सपोज, ओके। अब ये स्लाइड नंबर वन है। स्लाइड नंबर वन पे यहाँ कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, टू ऑब्जेक्ट, एक ये है और एक ये है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब हम चाहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट पे हम इफेक्ट लगाएं, एनिमेशन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहला ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम जाएंगे एनिमेशन टैब पे। यहाँ पे हमें ऊपर एक एनिमेशन टैब दिखाई देती है, उस पर जाएंगे। अब उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारी ऑप्शंस हो गए। जैसे कि हमने अगर इस पे फ्लाई इन पे किया तो देखिए हमारा ये माई स्कूल किस तरह से लिख के आया है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। देखिए देखिए कैसे घूम रहा है ना। माई स्कूल को देखिएगा आप, ठीक है, माई स्कूल पे हम काम कर रहे हैं ना अभी, ओके। तो ये ग्रीन वाले जितने भी स्टार्स हैं ये आपके डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्ले होगा। देखिए ये देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से, ये देखिए है ना। तो इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। पहला है एंट्रेंस, यानी कि ये ग्रीन वाले स्टार्स हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारी चीज स्क्रीन पे आएगी, ओके। अब दूसरा है एम्फेसिस, एम्फेसिस डिसाइड करेगा कि ये आने के बाद किस तरह से ये ब्लिंक होगा या कैसे ये दिखाई देगा हमें, ठीक है। देखिए ओके, और एग्जिट डिसाइड करेगा कि किस तरह से जाएगा। देखिए गायब हो चुका है घूमते हुए या बाउंस होके गायब हो गया, देखिए समझ गए आप। तो ये आने के लिए है, ये रुकने के लिए है, ये जाने के लिए है। जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, ग्रीन और येलो रेड, बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। ये किसी एक ऑब्जेक्ट को, अब जैसे हम चाहते हैं कि नीचे वाला ये ऑब्जेक्ट घूमे, इसको सिलेक्ट किया हमने एनिमेशन पे किया, देखिए अब इस पे डिफरेंस हो रहा है ना, देखिए कैसे घूम रहा है अलग अलग इफेक्ट से। तो स्टूडेंट यही होता है एनिमेशन इफेक्ट। अब हम चाहते हैं जैसे कि हम पाई चार्ट इस पे जाते हैं, हम तीसरे वाले पे स्लाइड पे, हम चाहते हैं कि जो पाई चार्ट है ये घूमते हुए आए, देखिए कल अलग तरीके से। सो इस पे हम करेंगे तो देखिए पाई चार्ट कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं आप। रैंडम बार्स पे करेंगे, देखिए कितने अलग तरीके से आया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए इस पिक्चर को आप जब ध्यान से देखेंगे इसमें तो वही सारी चीजें इसमें खुली हुई हैं, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए दोनों लिखा है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट। चौथा है मोशन पाथ। स्टूडेंट मोशन पाथ क्या होता है कि जैसे ये हमारा ये पाई चार्ट है, अगर हम इस पे इफेक्ट लगाते हैं, देखिए हाँ चौथा भी है नीचे, तो ये तीन तो मैंने आपको बता दिए थे। चौथा जैसे हमें करना है कि मोशन कैसे करेगा ये, मतलब शेप, एक शेप के फॉर्म में ये मोशन करेगा, देखिए घूमता रहेगा है ना।
हमने ये कर दिया तो ये देखिए ऐसे ही घूमता रहेगा, यानी कि जब जो लोग देखने वाले होंगे ना आपका प्रेजेंटेशन, जो लोग देखेंगे ये उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो इससे क्या होगा कि लोग आपकी इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे आप हाईलाइट करते हैं ना उसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए एनिमेशन इफेक्ट समझा दिया है मैंने आपको और करके भी दिखा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।